नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी आपको लेकर आई हूँ की धरती धोरा की धरती सोना उगल रही है आज धोरो की धरती में आपको आलू देखने को मिल जाएंगे वो आलू जिसे खरीदने के लिए हर कोई तैयार है ऐसा आलू राजस्थान की धरा पर हो रहे हैं जी हाँ तो डीडी किसान की टीम आज यही से तारा तरह गाँव में पहुँचेंगी और उस गाँव में एक ऐसा सफल किसान है जिसने आस के तमाम गाँव को आलू करवाना सिखा दिया है आलू जहाँ राजस्थान में कभी हो ही नहीं सकता अब राजस्थान का आलू किसानों को अमीर बना रहा है आज उन्हीं अमीरों से हम मिलने जा रहे हैं वो अन्नदाता है भारत के अन्नदाता जो आलू उगाकर अपनी तरक्की की तस्वीर बुन रहे हैं तो चलिए चौपाल चर्चा में आज तरक्की की तस्वीर में आप भी हमारा हिस्सा बने तरह गांव में चु चर्चा सजकर तैयार हो गई है तमाम हमारे देखिए मारवाड़ी भाई साहब बैठे हुए हैं तमाम हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं एक बार जोरदार से अन्नदाताओं से कहूंगी तालियों से खुद का स्वागत किया जाए धरो की धरती से बहुत स्वागत आज अब जब हिंदुस्तान पूरा आपकी इन तालियों की गड़गड़ाहट देखेगा तो ये भी समझेगा कि ये तालियां बाडमेर से आ रही हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर जाता है और इसी के पास रहकर हमारे किसान भाई खेती करते हैं आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर राष्ट्रीय बागवानी मिशन बात करेंगे आलू की खेती की तो सबसे पहले मैं जो हमारे यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से जो अधिकारी आए हुए हैं उनका स्वागत करती हूँ तमाम किसान महिलाएं और किसान भाई बैठे हुए हैं महिलाओं की ओर एक नजर डालिएगा ये महिलाएं कभी घरों से बाहर नहीं निकली हैं पुरुषों के बराबर तो बैठना मतलब सपने जैसा होता था और आज ये सपना साकार हो रहा है की महिलाएं पुरुषों के बराबर बैठ रहे है। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी जी सर नमस्कार जी नमस्कार आपका क्या नाम है विक्रम सिंह नाम है मेरा अच्छा विक्रम जी मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी किस तरह से आलू आप यहाँ पर लेकर आए कोई सोच नहीं सकता और वो उसे उगाया कैसे मेरा ननियाल यहाँ के गुजरात के डिस्ट्रिक्ट बनासकांठा में है और वहाँ पे देश का सबसे अधिकतम आलू का उत्पादन होता है तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिला कोविड में सारे लोग विदेशों से देश में अपने गाँव में आ रहे थे तो मेरा शुरू से ऐसा कुछ था कि कुछ इनोवेटिव और कुछ अलग होना चाहिए तो मैंने ये प्लान यहाँ के लिए किया और फिर मेरी बात मेरे ननियाल से कुछ लोगों से हुई उन्होंने कहा कि बड़ा रिस्की है करना चाहो तो उस लेवल पे हमने बात की फिर उनके मार्गदर्शन में हमने पहली बार यहाँ आलू का सोचा उसके बाद में हमने यहाँ आलू ग्रो किया आलू ग्रो किया यहाँ लाने के बाद बहुत सारी समस्याएं आई मेरे को खूब सारे ऐसे उल्हाने ताने जब मैं पहले सोशल मीडिया पर पहला मैंने वीडियो डाला तो लोगों ने कहा ये पागल है मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि बाजरी को निवेन आलू उगा वे कालो जे ठीक है बाजरी नहीं हो रही है वहाँ आलू की बात हो रही है कई लोग यहाँ से पूछने आते थे कि वो कहाँ है आलू वाला खेत तो बोलते हैं यहाँ कोई आलू वाला खेत नहीं ऐसी भी कई बातें हुई और खूब सारे ताने उल्हाने सुने लेकिन ओवरऑल हम आलू ग्रो करके तरात्रा गांव में राजस्थान नहीं पूरे देश में पहला तरात्रा ऐसा गांव है जहां पर फ्रेंच फ्राइज बनने के लिए आलू का सक्सेस प्लान करके हमने पूरे देश के सामने एक नया उदाहरण पेश किया है पैंसठ बीघा में हमने आलू की खेती की पैंसठ बीघा में 400 टन का आलू उत्पादन हमने यहां पे किया चार सौ टन।, टन हमने आलू उगाए और इस आलू उगाने के पीछे मेरा ये मकसद था कि सारे लोग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो के आई एस, आई या सर्विसेज में नहीं जा सकते हम सब लोग किसान हैं और किसानों के साथ हमारे पास ज़मीन है हमारे पूर्वजों की जो जमीन है उसको हम यूज करके हम क्यों नहीं एग्री एंटरप्रन्य बन सकते हैं जितनी एग्री की आप बात कर रहे हैं मैं और सवाल आपसे लूंगी पहले मैं किसान भाइयों से जान लेती हूँ फिर आपके पास आती हूँ जी दादाजी आप खड़े हो जाइए राम राम जी राम राम जी कैसे आप ठीक है सर पहले के मुकाबले ज्यादा ठीक है, है नहीं अभी ठीक है, है? है, मतलब है कि थोड़ी सी स्थिति बाजरी होती थी वही बरसात होती तो होती नहीं तो कुछ नहीं होता था उतनी कहती चार बोरी पाँच बोरी अभी अभी इन्होंने चार टन आलू की खेती ले ली ये अभी तकनीकी आई तब हुई तकनीकी का मतलब अब विज्ञान आपके बीच आ गया अच्छा, है विकास विकास अच्छा विज्ञान के तरीके से भी आप बाजरा लगा रहे हैं आप जी लगा रहे हैं क्या क्या लगाते संतर बाजरी शंकर बाजरी आती है ये दांता से वहाँ भी बीज मिलता है तो उसमें दवाइयाँ बराबर आती है तो उससे बहुत अच्छी बाजरा भी होता है अच्छा आपके बाजरा और मिलट्स यानी श्री अन्न की हम बात कर रहे हैं इसकी मांग बहुत बढ़ रही है कहते हैं कि बड़ा गुणकारी है ये बात सच है बिल्कुल सच है सर हम बाजरी खा कर देख लो बहुत पहलवान है तो राष्ट्रीय बागवानी की हम बात कर रहे थे आप भी घरों में सब्जियाँ वगैरह लगाते लगाते हैं अभी अभी शुरुआत करिए अभी हमारे यहाँ मिर्ची हो जाती है अभी जीरा होने लग गया अब सारे सारे अभी अभी ये संस्कार देते हैं ना उसी टाइम के ये लगाओ ये लगाओ सब हो रहा है हमारे धरती में इतना कहीं नहीं होता इस धरती में होता है तो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र से है मैं आपसे जानना चाहूंगी सर अगर हम बात करें नई पद्धति को लाना बात करें विज्ञान को लाना विज्ञान कैसे पहुंच रहा है जी विज्ञान हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के संस्थागत असंस्थागत विभिन्न प्रकार के किसान मेले और विभाग के द्वारा अन्य भी स्थानों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण करवा के जो नई नई तकनीक है वहाँ पर फार्म पर ट्रायल लगवा कर किसानों की समय समय पर विजिट होती रहती है और कृषि विज्ञान केंद्र भी अपने दूर दराज के क्षेत्रों में भ्रमण कर विजिट कर वहाँ पर भी अपने ट्रायल लगाते हैं फिर फिर किसान वहाँ आके देखता है उन नई तकनीकों को देखता है और फिर उन नवाचारों को अपनाता है विज्ञान है तो क्या ये जमीन ये धरा आलू के लिए ठीक है हो सकता ता यहाँ पर एक आदमी ने लगाया है ऐसे अगर हर कोई आलू लगाना चाहे तो हो सकता है बिल्कुल ये संभव है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम और वैज्ञानिक पद्धतियों की आवश्यकता रहती है और काफी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है क्योंकि नॉर्मल जो किसान है मध्यम परिवार के किसान है इस प्रकार का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं जो किसान बड़े लेवल पे करना चाहे या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसकी कई तकनीकियाँ हैं कई बीमारियाँ लगती है उनका प्रशिक्षण लेकर पूरी संपूर्ण जानकारी लेकर अगर ये बिजनेस व्यवसाय ही करे तो निस्संदेह रूप से उसमें सफलता उनको मिल सकती है बैठी बहुत धन्यवाद जी सर आपसे भी पूछूंगे अब राष्ट्रीय बागवानी से अगर लोग जुड़ रहे हैं तो इसमें ये तय है कि बीमारियां भी लगेगी फंगस भी आएंगे रोकथाम के लिए क्या तैयारियाँ रोकथाम की जैसे भी बात की जाए जैसे, जैसे मा, मा बात हुई आलू की आलू के अंदर जो सबसे मुख्य बीमारी है वो लेट ब्लाइट है उस लेट ब्लाइट से बचने के लिए आदमी को सबसे पहले अगर बीज उपचार कर रहे हैं बीज उपचार के साथ अगर आप खेती करते हो तो आपके लेट व लेट आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उसके साथ जब भी आपकी आलू उगने वाला होता तो है बुआई के नियर अब साठ दिन के बाद उसके बाद में अगर आप छिड़काव कर लेते हैं कार्बन जो जो वैज्ञानिक रिकमेंडेड है उसको छिड़काव करने के बाद बीमारी आने की संभावना ना के बराबर रहेगी बीमारी आने से पहले ही रोकथाम करनी पड़ेगी अगर एक बार रोकथाम हो जाए तो उसके बाद बीमारी आने की संभावना ना के बराबर रहेगी इससे किसानों को नुकसान सबसे कम होगा बैठिए बहुत धन्यवाद सर आप भी खड़े हो जाइए जी नमस्कार नमस्कार क्या नाम है आपका मैं मूना कुमार सिंह बिहार से आया हूँ मेरा पिटेंट विक्रम सिंह तरात्रा है वो आलू की खेती करते हैं मैं देखने के लिए आया हूँ बिहार में नहीं होती आलू की होती है तो राजस्थान में ऐसा क्या दिखा आप धूलो में देखने के लायक में कैसे आलू होते हैं जी बिहार में भी आलू होता है बैठिए बहुत धन्यवाद तो बिहार से भी हमारे देखिए मेहमान पजारे में आती थी देव भाव भाई राजस्थान में बहुत स्वागत है आपका और राजस्थान के आलू को अगर आप देख आगे बढ़ना चाहे करना चाहे तब तो भी बहुत बेहतर है आप भी खड़े हो जी क्या बात है मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सास ससुर के बराबर बैठना ये एक बदलाव है लेकिन घूंघट और संस्कारों के साथ रहना ये भी एक बड़ी उपलब्धि है नमस्कार नमस्कार मैम क्या नाम है आपका मेरा नाम कमला है मैं तारातर गांव के बाडमेर जिले का अच्छा बाड़मेर जिले में महिलाओं को लेकर अगर मैं बात करूं कितनी आगे बढ़ गई हैं कितनी सशक्तिकरण यहाँ पर हो गया पहले तो कुछ नहीं महिला थी अब तो वैसे ही ज्यादा बढ़ रही हैं परंतु तीस परसेंट है क्षेत्र में सौ में से जी। आगे बढ़ रही है धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा महिलाओं का और हमारी महिलाएँ यहाँ पर सरपंच किसी उच्च पदों पर जाती हैं हाँ जरूर पहले नहीं जाती थी अब जाती है आपके यहाँ से महिला सरपंच है हाँ है यहाँ से महिला सरपंच है।, अच्छा, है तो देखिए महिलाओं को पचास परसेंट तो महिलाओं का शिक्षा का हो रहा है आप बताएंगे मुझे आलू कैसे लगता है धरो की धरती में हाँ पहले हमारे यहाँ से आलू आते हैं वहाँ से आलू की कटाई होती है बाद में बोई जाते हैं बाद में वो धीरे धीरे बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है टपक सिस्टम से खेती टपक सिस्टम से क्योंकि वो पानी कम है वैसे ही। आपके इस धोरों की धरती के आलू का स्वाद चखा आपने कितने स्वादिष्ट होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं है। चलिए बैठिए बहुत धन्यवाद जी आप भी खड़े होइए राम राम माता जी राम राम कैसे हैं आप नो मेरी कैसी देवी अच्छा कैसी देवी कैसी देवी धोरों में मुझे पहले हरियाली नहीं दिख रही थी वाला बाजरा बाजरा मैं वो तो जन बाजरा भावता पसे किया, भाई जीरो, जीरो पूरा पता है कि बाड़मेर के जिले में हमारा गांव कितना आ गया है क्या बात है बहुत बढ़िया आप जैसी महिलाएं कितनी सशक्त हो रही है जो घरों में रहकर सिर्फ चूल्हा चौका उपलों से काम किया करती थी आज जो बराबर बैठकर काम कर रही है जी।

उसके द्वारा हम कर रहे हैं खेती अच्छा बाजरा जीरा ये तो समझ आया उसके बाद में अनार भी समझ आ गया अनार के अलावा और कौन से फल है जो आपके खेतों में लगते हैं फल के अलावा मैं समझूंगी फ्रूट भी आ, ये आपने बता दिया है और खजूर है फिर अंजीर है अंजीर भी खूब हो रही है तो और, और अनार आम भी हो रहा है चिकू भी है करने वाला चाहिए आपने लगाई है बादाम ची मेरे गाँव में घर में लग रखी है लेकिन अभी बड़े स्तर पे नहीं है लेकिन हो रहा है अगर उसको लोग चाहें बड़े स्तर पर करना कर सकते हैं कहने का मतलब हो सकता है सब कुछ हो सकता है सब कुछ सब के, के कुछ लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए तो, पहले पहले था कुछ अभी तो मतलब ट्यूबवेल हो रहे हैं फिर लोगों ने ये पद्धति चेंज कर दी पानी की टपक बूंद ये बूंद बूंद हो रही पद्धति तो उसमें पानी की बचत भी हो रही है और प्रोडक्शन भी मिल रहा है तारा तारा गांव को आज हिंदुस्तान जान रहा है तो आप ये मान रहे हैं कि अब बाड़मेर पहले जैसा नहीं रहा मैडम बहुत चेंज हो गया है बाड़मेर जानता कौन था ये तो एक था काली पानी जाना जाता था अब तो बहुत चेंज हो गया में बहुत धन्यवाद जी तो ये भारत की एक सुंदर कहानी के साथ साथ सुंदर तस्वीर बुन सकते हैं धोरो की धरती को पहले लोग काला पानी और आज हरियाली के नाम से जान रहे जी नमस्कार मेरा नाम गजय सिंह मैं यही ये फॉर मेरा हमने पहले आलू बोए थे उसके बाद तरबूज बोए थे यहाँ जो बोई थी मूंगफली बोई थी बहुत सारे मूंगफली भी मूंगफली भी और तरबूज भी तरबूज भी फल आपने लगा लिया सब्जियां आपने लगा ली बाजरा आपने लगा लिया जो भारत में डिमांड हो रही है सबसे पौष्टिक आहार वो सब सब यही यही लग लग रहा है। सब यहीं लग रहा है है लेकिन जब ही बड़े स्केल्स पे आलू हो रहा है तो उसका मार्केट कहा है मार्केट हमने तो बाहर भेजे थे आलू आलू बाहर बाहर सीधा सीधा चला गुड़गांव गए थे अच्छा यहाँ से सीधा दिल्ली गुड़गांव आप मुझे बताएंगे की अगर बाडमेर में ही मंडिया है मार्केट में मार्केट है मंडिया वो हमारे आलू थे वो चिप्स वाले थे जी। लो लो और एक कैना बैग ये वेरायटी अलग थी आलू का वजन था आठ सौ ग्राम से ऊपर था एकदम वाइट क्या बात है आपको वेराइटियों के नाम भी पता है जिन्होंने सदा से बाजरा लगाया उसे आज ही पता की आलू भी होता है अच्छा बाजरे में कौन कौन सी वेरायटी बाजरे में हमने ये आता नहीं ये अपना थैली वाला बाजरी शंकर बाजरी ये लगाया एक देसी बाजरी हमने लगाई थी अब बाजरा छोड़ दिया ये लगाते हो लगाते हैं देशी बाजरा लगा दिया हमारे यहाँ का देसी बाजरा है ना वो खाने में स्वादिष्ट है नौकरी में ज्यादा पैसा है या खेती बाड़ी में खेती बाड़ी में मेहनत करे तो खेती बाड़ी में ज्यादा है नौकरी छोड़ के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं बात तो सच ग्रीन हाउस बना दिए लोगों ने नमस्कार नमस्कार मैं लाभू राम देवासी तारा हमारे यहाँ खेती की पद्धति अब बढ़ रही है धीरे धीरे सब ट्यूबेल हो गया है हर घर में ट्यूबेल है पानी की व्यवस्था हो गई है पहले पानी था नहीं अब हम अपने हिसाब से कृत्रिम खेती कर रहे हैं अलग-अलग खेती कर रही है साल में तीन बार मौसम अलग अलग मौसम पे अलग अलग, अलग खेती करते हैं जी, जी। पहले कितनी बार खेती लेते थे पहले एक बार ही लेते थे बरसाती आज तीन बार ये चमत्कार कैसे हुआ ये सब वैज्ञानिक तरीके से जानकारी से और पानी से हुआ है मैं तो पहले यहाँ पानी नहीं था अब पानी ट्यूबवेल करवाने से मशीनरी आ गई उस मशीनरी से ट्यूबवेल गहराई में छः सौ सात सौ फुट में कर लेते वहा पानी मिल जाता है पहले ट्यूबवेल करने की कोई साधन नहीं थी इसलिए जी, जी।, जी। बैठिए बहुत धन्यवाद साल में एक खेती लेने वाले किसान ये कहे कि हमारे यहाँ पर साल में तीन खेती होती है तो ये बदलाव की निशानी है और ये बदलाव धोरों की धरती पर यह चमत्कार धोरों की धरती बाड़मेर में हो रहा है वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेकअप ब्रेक के बाद भी धोरों की धरती से बहुत कुछ दिखाने वाले हैं क्योंकि किसान यहाँ तरक्की की तस्वीर बन रहा है कहां होगी बारिश किस जगह पड़ेगी बर्फ कहां रहेगा कोहरा कैसा रहेगा तापमान पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम साढ़े सात बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं आलू की उस आलू की जिस आलू की वैरायटी गिन कर भी आप हैरान हो जाएंगे कि वो आलू हमारे यहाँ होता है जो चिप्स बनता है वो आलू धोरो की धरती में होता है अब इस धोरो की धरती को कौन नहीं जानता पहले इसे पहनावे के लिए संस्कारों के लिए खान पान के लिए और के लिए जाना जाता था। आज यहाँ पर खेती बाड़ी के लिए भी भारत में राजस्थान एक अलग ही स्थान अपना बना रहा है जी आपका क्या नाम है कुमार सिंह मैडम कुमार सिंह जी आपके गांव दिल्ली से आगे हैं। इतनी पहचान बना ली आपने गांव में पहले कहा थे आप पहले मैडम गांव में ही थे लेकिन अभी जो ये आधुनिक खेती हो रही है जो खेती में नवाचार हो रहा है इससे लोगों में भी मनोबल बढ़ रहा है पहले लोग सब या तो बाहर मजदूरी करने के लिए जाते थे या फिर यहाँ खेती करते थे तो साल में एक बार ही खेती करते थे मतलब उनको मन में ये नहीं था कि यहाँ पर भी कुछ उग सकता है जब यहाँ पे ये प्रयास हुए खेती में नवाचार हुए तो अभी किसानों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है तो उन्हें भी लगता है कि अगर हम भी कुछ प्रयास करेंगे तो हमें भी हासिल हो सकता है इसलिए सभी किसान भी अभी नवाचार खेती में करने में लगे हुए हैं क्या मैं जान सकती हूँ इस तपती खोलती रेत में अब हमारे जो मजदूरी करने लोग बाहर कम जाते हैं या अभी भी जा रहे हैं हैं नहीं अभी जा रहे लेकिन पहले की जो तुलना में अभी कम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे खेती हो गई है अभी जीरा भी यहाँ पे बढ़िया मात्रा में हो रहा है और जीरो के भाव भी बढ़िया मिल रहे हैं तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जी जी तो जो कम मात्रा में जा रहे हैं मुझे लगता है आने वाले समय में लोग यहाँ पर आएंगे मजदूरी करने आपके बारे में बिल्कुल मजदूरी तो अभी भी होती है जब ये फसल कटाई का टाइम होता है तब लोगो बाहर नहीं जा करके यहाँ पे मजदूरी करना पसंद करते है कभी जानकारी लेनी हो क्योंकि देखिए पड़ोसी के घर में उजाला हो गया है तो मुझे लगता है जल्दी से आप भी उजाला कर लीजिएगा समय निकल जाएगा धोरों की धरती कभी कभी मौका देती है ऐसे में अगर जानकारी की जरूरत हुई कि अगर आ, कैसे खेती करना है कब बीज डालना है कितने बीघे में डालना है बीज कौन सा होना चाहिए पानी कब देना चाहिए खाद कैसी होनी चाहिए तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है ये कृषि विज्ञान केंद्र दंता में हमारे बना हुआ वहाँ पे इतना दूर है यहाँ से पच्चीस तीस किलोमीटर होगा वहाँ पे लोग जाते रहते हैं वहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं कृषि प्रदर्शनी करके लोगों को दिखाते रहते हैं समय समय पर ये कि ये किस खेती में आप नवाचार कीजिए इससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी अब हमारा किसान डिजिटल इंडिया की जिसे बात करें तो डिजिटल पर आ गया है मोबाइल पर आ गया है? जी उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा है डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तो उससे किसानों को भी हर आज प्रत्येक व्यक्ति के पास मोबाइल है और उससे देख के भी कई लोग सीख जाते हैं जी बैठिए बहुत धन्यवाद जी अब हमारा आनंद एक दिन बदलाव जरूर लेगा कि जितने मजदूरी करने बाहर गए हैं सबको बाहर से यहीं बुलाया जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ बाडमेर की धरा पर हम कर देंगे क्या सोचे आगे कुछ बनना है नौकरी वोकरी करना है क्या बनना है टीचर बनना है टीचर बनना है अच्छा ज्यादातर यहाँ पर महिलाएं टीचर के लिए आगे बढ़ती अच्छा आज आलू की बात कर रहे हैं आपके यहाँ खेतों में आलू होता है होता है आलू कैसे होता है मुझे बताएंगे आलू कैसे उगाते हैं थोड़ी जानकारी दीजिए जी मैम आलू हमने पहले लाए थे आलू कहाँ से बाहर से हाँ। बाहर से आलू लाए थे उसके बाद में आलू की कटिंग की और उसके बाद में आलू को आलू के साथ दवाई मिक्स की तोई मिक्स करके फिर तोई लगाई तो लगा के उसमें एक मशीन थी मशीन में डाल के उसके बाद में बोए थे आलू हमने उसके बाद में चार पाँच महीने बाद में हमने कटिंग की आलू आलू कटिंग के के अच्छे थे उनको अलग कर दिए गंदे थे उनको अलग कर दिए और पहले हमारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं बाजरा और मूंग माट ये थे पहले नहीं था और अब अब हो रहे अब हो रहे बहुत धन्यवाद जी आप भी खड़े हुए बेटा आपका क्या नाम है नमस्ते मैम मेरा नाम गुड्डी है मैं इलेवेंथ कक्षा में पढ़ती हूँ गुड्डी क्या बनेगी पढ़ाई करके क्या सोचा है क्या करना है

विक्रम सिंह सर के साथ निर्देशों पर हमने आलू की खेती और मूंगफली मूंग मोट का नवाचार होते हुए देखा है और अब हम किसी के निर्देशों के बगैर भी हम यहाँ पर आलू का खेती कर सकते हैं अच्छा। आलू लगाते तो आलू का अच्छा आद... मिल जाती है इनकम आलू लगाते तो अच्छी इनकम मिल जाती है अच्छी मिल जाती है बहुत धन्यवाद जी नमस्कार जी नमस्कार राधिका जी मेरा नाम बोजराज सिंह है भोजराज जी क्या करते हैं इस धुरो की धरती में किसान है किसान है। जी क्या लगा रहे हैं आप पहले तो मैडम बाजरा ही होता था और कुछ होता नहीं था अभी तो जीरा हो रहा है मूंगफली भी हो रही है इधर अब मेरे खेत पे मूंगफली भी बोई हुई है अभी अच्छा जी जी मतलब हम खाने जाए तो मिल सकती। जी हां, मिल सकती सकती है है और बाकी पहले तो क्या ये फुहारा सिस्टम था अब है? तो ये बूंद बूंद सिंचाई हो गई है ये भी नवाचार हो गया इससे पानी की बचत हो जाती है और बढ़िया है सब सब अच्छा है जी कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं खेती बाड़ी में कोई समस्या नहीं जी नहीं कोई समस्या नहीं है अगर है तो बताइए कि पूरी हो जाए नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है बाकी डॉक्टर साहब हम सलाह लेते रहते हैं अपने केंद्र जाते रहते है बैठिए देखिये भाई इतना पूछने पर भी नहीं बता रहे हैं तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है कसूर नहीं है और विक्रम जी सच में समस्याएं खत्म कर दी है मुझे लगता है देखिए इतना पूछने पर भी हाँ नहीं भर रहे हैं जी अच्छा एक सवाल पूछूंगी आलू की हम बात कर रहे हैं तो आलू के लिए एक सवाल मेरा ये बनता है क्या आलू इतना आसान है कि यहाँ हर किसान उसे बिना जाने बिना सीखे भी लगा सकता है देखिए मैम उसको सीखना तो बहुत ज़रूरी है जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे उसका सीड ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर सीड आने के बाद में अगर उसका सीड ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वो सीड खराब होगा तो आलू नहीं होगा दूसरा मेरे लिए सबसे गर्व की बात यह है कि जहाँ भारत का सबसे अंतिम जिला है अंतिम जिले का भी आप समझ लीजिए सौ किलोमीटर बॉर्डर है और यहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ आकर इंटर्नशिप करते हैं मतलब हम लोग उनको सिखाते हैं ये महिलाएं उनको सिखाती है कि आलू की खेती कैसे होती है इंटर्नशिप से करने आते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी उदयपुर के स्टूडेंट हमारे यहाँ छह महीने रख के और सीख के गए हैं कि आलू की खेती कैसे होती है वो स्टूडेंट हमारे यहाँ रहे हैं दूसरी बात महिला सशक्तिकरण का अगर देश में कोई खेती में कोई बड़ा उदाहरण है तो वो भी एक तारातरम है कि यहाँ की अशिक्षित महिलाओं ने आलू का पूरा प्रोसेस आलू गाड़ी से नीचे उतरने से लेकर के उसके सीड ट्रीटमेंट से लेकर के उसके बोने से वापस निकालने से और कटिंग होकर के पूरा वापस लोड तक का पूरा प्रोसेस हमारी इन महिलाओं को आता है हमारी मातृशक्ति को आता है जो देश के लिए महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण वो भी हमने यहां प्रस्तुत करके दिखाया है चलिए बैठिए बहुत धन्यवाद जी क्या नाम आपका बना रहा हूँ अच्छा मुझे ये बताइए मुछो पर ताव दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब तरक्की जरूर हुई है ठीक है ठीक है विकास हुआ है गाँव में विकास तो हुआ ही है क्या विकास हुआ में विकास सब हुआ है क्या पहली तो बाजरा होता मूंग माठ होते थे हाँ। अभी जीरा और ओन लगा है। हाँ। दूसरी फसल करते है मूंगफली होती है सब हो होती अनार अनार तो हमारे पाया नहीं है दूसरे खेत में पाया हुआ है तो पड़ोसियों के हो रही इसका मतलब बदलाव हो गया है देखा अनार हो जाएगा तो आप भी सोच रहे हैं कुछ सोचे तो अनार लगा हुआ लगाने ऐसी अच्छा मैं आपकी बात करूंगी क्योंकि आपकी बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है वो जमाना देखा है बदलते हुए समय को देखा है आज का समय खेती के लिए आसान हुआ आज तो बहुत बढ़िया हुआ है क्या बात है बेटी बहुत धन्यवाद जी नमस्कार क्या नाम है आपका रतन लाल जैन रतन लाल जी जैन आप खेती तो नहीं करते खेती नहीं करते व्यापार करते व्यापारी है हमारे खेतों में क्या कर रहे हैं हैं व्यापारी है? खेतों में तो आइटम लेते हैं बस जीरा लेते हैं बाजरा लेते हैं मूंग मठ गुआर सब लेते हैं आप किसानों के घर ही पहुंच जाते हैं उनको आप आने तो की जरूरत नहीं नहीं किसान के घर जाते हैं किसान आप हमारे यहाँ देते हैं अच्छा भाव ठीक ठाक दे देते हैं बाजार भाव से देते हैं ठगाव तो नहीं करते नहीं 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 हम भरोसा नहीं कर सकते आप नहीं नहीं सही सही है है अच्छा ये बताइए जब मैं मार्केट को देख रही हूँ कि हमारे बीच बैठा हुआ बेटी बहुत धन्यवाद ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मार्केट आपके बीच बैठा हुआ है और ये वो मार्केट है जिसमें किसानों को समस्या नहीं होती कि सीधा आपके पास आ जाता है भाव तय कर लेता है लेकिन किसान बहुत समझदार है अब ये वो अन्नदाता है जो आपसे नहीं कई लोगों से पूछताछ करता है उसके बाद अपने अनाज को आपके हवाले करते हैं यू ही इन्हें भोला मत समझ लीजिएगा अब ये ठगाव में नहीं आता है क्योंकि इनके बीच विक्रम जी जैसे महान किसान रहते हैं जो सदा इनके साथ जुड़े रहते हैं इनके बीच विज्ञान जुड़ा हुआ है और इनके बीच अब विकास की कड़ी जुड़ी हुई है इस विकास की बहती गंगा में आज हमने भी हाथ धो लिया है और धोने का मतलब सीधा हो जाता है कि सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत तस्वीर बाड़मेर से मिल सकती है धोरो की धरती से मिल सकती है यही सोच रहे थे कि न जाने कितनी गर्मी होगी किसान वहाँ पर बात करता होगा या नहीं किसान बाहर निकलता है या नहीं लेकिन यहाँ की भीड़ देख समझिए कि, कि किसान जानकारी लेने के लिए कहीं कहीं भी पहुँच जाता है और ये वही किसान है जिनके बीच आज हम दिल्ली से पहुंच चुके हैं अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं नमस्कार